बेटा यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट ओपन सोर्स एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस फ्रीवेयर ओपन सोर्स देन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज फर्मवेयर. जो फर्मवेयर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस की फर्मवेयर इज ए स्मॉल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन ए रोम. ठीक है, इट्स वर्किंग इज बूटिंग. बूटिंग मीन्स स्टार्टिंग ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. उसके बाद जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं, दीज आर पेड सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा और माया सॉफ्टवेयर. व्हाई वुड यूज माया सॉफ्टवेयर? यस, एनी स्टूडेंट माया सॉफ्टवेयर हम क्यों यूज करते हैं? ऑटोडेस्क माया. दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर फॉर एनिमेशन. जितनी भी आपके पास हॉलीवुड या बॉलीवुड में मूवीज में एनिमेशन होती हैं, वो आपके पास 3D एनिमेशन होती हैं, वो सारी की सारी माया में होती हैं. नाउ दीज आर पेड सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. यू विल हैव टू बाय इट. अगर आप उसको बिना परचेज किए यूज करते हो, एक और है बेटा, एक माया सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोडेस्क कंपनी है. इसमें अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करो एज ए स्टूडेंट और एज ए एजुकेटर फॉर टीचर्स 1 ईयर के लिए, उनके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो आप माया सॉफ्टवेयर इंटरनेट में से डाउनलोड कर सकते, यूज कर सकते फॉर 1 ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट. क्लियर? तो ओपन द वेबसाइट ऑफ ऑटोडेस्क कंपनी और उनमें से जो आपने सेलेक्ट करना है एज ए स्टूडेंट. ओके, तो आप उसको यूज कर सकते हो. वेरी गुड सॉफ्टवेयर. सो मेनी ट्यूटोरियल्स आते हैं एंड आने वाले टाइम में आपके पास एनिमेशन में, प्रेजेंट टाइम में भी और आने वाले टाइम में एनिमेशन का बहुत बड़ा स्कोप है. क्लियर? नाउ फ्रीवेयर में हमने डिस्कस किया था कि कोडिंग इज नॉट अवेलेबल बट सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. But whenever we discuss about open source, remember one thing, open source softwares, coding is available free of cost. For product, the company may take nominal charges. So free, open source में coding free में होती है, मिलती है. हाँ, आप अपने product के लिए हो सकता है थोड़ी सी payment करनी पड़े आपको, but not a big amount, it is a nominal charges. Clear? एक ओपन सोर्स का बेसिकली जो इन द केस ऑफ फ्रीवेयर, आप सिंपली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में यूज कर सकते हो, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. सॉफ्टवेयर, नॉट ए कोडिंग, दिस इज फ्रीवेयर. बट व्हेन एवर वी से अबाउट योर ओपन सोर्स, कोडिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन मेक द चेंजेस इन सॉफ्टवेयर. You can introduce your own software, but after that, you can distribute that software. You can't say this is only my software. This is I have a copyright on that. But you can distribute that. तो आप उसको distribute कर सकते हो. Next is there are some features of open source. No restriction on distribution of software. Program must include source code. License इसमें भी होता है. MS Microsoft का लाइसेंस होता है पेमेंट के लिए, बट हियर लाइसेंस इज फॉर इफ यू आर मेकिंग एनी चेंजेस इन सॉफ्टवेयर यू विल डिस्ट्रीब्यूट दैट. दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज हियर. देन द ऑथर, द कोड मस्ट बी मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर. मींस इफ यू आर चेंजिंग द कोडिंग, यू कांट से दिस इज ए मोज़िला फायरफॉक्स. ठीक है, आफ्टर चेंजिंग द कोडिंग यू विल हैव टू चेंज द नेम ऑफ योर सॉफ्टवेयर. क्लियर? तो there are so many features are there. License must be specified to a product. ek hi product ke upar nahi hota, license pure pure package ke upar milta hai. For example Microsoft hai, jaise openoffice.org hai, pura package hai na, isme multiple softwares hai. No discrimination among field of, ki aap ye nahi keh sakte ye they can be used by only doctor, they can be used only by engineers. theek hai, koi any, no any discrimination is here. No discrimination among the person or religion, कि आप इस रिलीजन के लोग ये यूज कर सकेंगे. दीज आर द डिफरेंट फीचर्स. नाउ बिफोर डिस्कशन ऑफ योर टॉपिक,
जो आने वाले जो टर्म्स हम इसमें यूज करेंगे डिस्कस करेंगे उसमें एक टर्म पहले तो यहाँ पे हमारे पास टर्म है इन ओपन सोर्स दैट इज कॉल्ड ओएसएस ओपन सोर्स इनिशिएटिव ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सो ऑल द सॉफ्टवेयर हुज कोडिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड ओएसएस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर शॉर्ट फॉर्म इज ओएसएस क्लियर नेक्स्ट इज फ्लॉस नाउ प्रेजेंट टाइम सम सॉफ्टवेयर आर फ्रीवेयर सम सॉफ्टवेयर आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बट वेन एवर वन सॉफ्टवेयर इज आल्सो ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर ये फ्रीवेयर भी है ओपन सोर्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू You are using Mozilla Firefox. For using that, no any type of payment is required. So it is a freeware. Moreover, coding is available. It means this. It is equal to flaws. ठीक है? तो ये जो हमने यहाँ पे discussed किया the full form the term is flaws. It is called free libre and open source software. Free libre means It is a free of cost, freeware, and also a open source, FLOSS. Okay? So a software that is open source as well as freeware is called FLOSS. Any doubt in this? Open source. Now, एक term है, computer में कई ऐसी terms हैं जिसमें आपकी full form में भी short form होती है. जैसे एक form, a full form, एक short form है GNU. It's better look at here. Its full form is GNU, not Unix. Now, what it means? Excuse me, sir. Yes, bachche. Yes. Sir, can you repeat about GNU? Better GNU. I am going to discuss. I am going to discuss better GNU. CNG तो है नहीं इसमें बेटा there is no any term CNG before that the term was OSS and after that term is FLOSS and next is GNU so I am going to discuss that okay guys so look at it. जिसको हम जी एन यू भी कहते हैं या इसको ग्नू वर्ड कह लो आप इसको अगर आप इंटरनेट में इसको सर्च करोगे इस वर्ड को यू विल गेट पिक्चर ऑफ ए एनिमल सो लुक एट हियर सो दिस एनिमल शो द फ्रीडम फ्रीडम टू वॉक ठीक है कहीं पे भी जा सकता है एनिमल्स का तो एक इज अ फीचर ठीक है तो यहाँ पे ओपन सोर्स में इस एनिमल का मीनिंग है फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रीडम टू मेक मॉडिफिकेशन इन द कोडिंग ठीक है फ्रीडम टू रन मींस एवरीवेयर फ्रीडम इज देयर ठीक है तो आपके पास अब इसकी फुल फॉर्म में है GNU ठीक है नॉट यूनिक्स अब इसका मीनिंग समझ लो बेटा इन नॉट नाउ बट इन नियर अबाउट 1980 टू 1990 तक हमारे पास एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसने माइक्रोसॉफ्ट को एक टाइम में एक छोटे से रूम से एक कंपनी बनी थी और डॉस MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Due to that, present time में Microsoft company world में number one IT company. Reason is DOS was a command-based operating system. Command-based मैं आज present time में it is not operating system. But एक feature अभी भी available है. अगर आप यहाँ पे CMD type करते हो, ठीक है? तो this
just like this. Everything you will have to type means if you want to create a copy, create a file, copy con, name of the file is suppose my file, and then enter. You will have to type the data. ठीक है, control z करते तो file save हो जाएगी. किसी किसी फाइलें बनती थी, फोल्डर्स बनते थे, डायरेक्टरीज बनती थी, एवरीथिंग वाज विद द हेल्प ऑफ कमांड. दिस सॉफ्टवेयर वाज सिंगल यूजर, मतलब वन यूजर कैन यूज वन पीसी. उसके एक ऑपोजिट में एक सॉफ्टवेयर था यूनिक्स. यूनिक्स वाज सिमिलर टू दिस वन बट वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर, एंड दिस सॉफ्टवेयर वाज मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर. मीन्स ये सर्वर में इंस्टॉल हो जाए तो मल्टीपल यूजर एक ही टाइम में कंप्यूटर यूज कर सकते थे, मल्टी यूजर्स. ठीक है, तो डॉस था सिंगल यूजर, यूनिक्स था मल्टी यूजर. पर जब यूनिक्स बना, तो यूनिक्स सॉरी लिनक्स बना, या इसको लाइनक्स भी कहते हैं कई बार. लाइनक्स का जो इन्वेंटर था, जो उसका डिवेल्पर था, उसकी एज 17 ईयर थी जब उसने डिवेल्प किया था. और एट द टाइम ऑफ डिवेलपमेंट उसके घर पे पीसी था एक, और यूनिवर्सिटी में वो एक आई थिंक ग्रेजुएशन कर रहा था. तो ग्रेजुएशन के टाइम में वी नो दैट कि इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज कंप्यूटर्स आर वेरी एडवांस. इफ वी आर यूजिंग हियर 4GB 8GB रैम, अगर हम वर्क स्टेशन, इफ आई यूज वर्क स्टेशन तो रैम विल बी नियर अबाउट मोर देन 20. ठीक है, तो इन दैट इन दिस वे वहां पे उसने क्या किया, एक सॉर्ट एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम चल रहा था. ही सेव द प्रोग्राम इन फ्लॉपी बिकॉज दैट टाइम फ्लॉपी वाज पॉपुलर, देयर वाज नो एनी हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव. तो उसने क्या किया, उस पेन जो उस प्रोग्राम था उसने अपने कंप्यूटर में चलाने की कोशिश की. ही ट्राई टू रन द प्रोग्राम इन हिज कंप्यूटर, बट ड्यू टू द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ. तो उसने सोचा कि वरना मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करूँ, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें बहुत इजीली एवरीथिंग इंप्लीमेंटेड. ही स्टार्टेड टू डेवलप वन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड विद एफर्ट्स ही डेवलप. आफ्टर दैट ही डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिज फ्रेंड कि इसको यूज करके देखो बहुत अच्छा है. तो ऐसे करते वो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया वो ऑपरेटिंग सिस्टम. और लिनक्स या लिनक्स इतना पावरफुल है, स्कूल की जो वेबसाइट है that is saved in Linux server. ऐसे server में virus Linux या Linux में, दोनों word बोल देते हैं, Linux भी कहते हैं Linux भी, there is no any virus. Virus अगर Linux की full form, अभी आपको मैं उस person की pic भी दिखाऊंगा, तो उसकी कोई full form नहीं है Linux की. तो उसमें क्या कहता था कि जो सॉफ्टवेयर बहुत पावरफुल है, देयर इज नो एनी वायरस. अगर वायरस होगा ना आपके पेन ड्राइव में, वो शो कर देगा ये वायरस है, इसको सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो. मतलब इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है. नाउ इट्स लुक लाइक ए यूनिक्स, इसका स्ट्रक्चर जो है इट्स लुक लाइक ए यूनिक्स. क्योंकि जब व्हेनेवर यू डिस्कस अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर इज अ शेल इज देयर, बहुत सी चीजें होती हैं, इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक ए यूनिक्स, बट इट इज नॉट यूनिक्स, इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिक्स. ठीक है, so that's why its full form is GNU not Unix. clear, तो इसीलिए इसकी full form ये बनी है. अब हमारे पास है ये एक project work था जो show कर रहा है freedom. ठीक है, तो इसके आपके पास इसका जो yes girls no talking जो start जिसने start किया था, the person जो who took the initiative was Richard Stallman. So if you search the pic of Richard Stallman, very famous IT personality present time, his you can say purpose is to promote the freeware and open source softwares, freeware, particularly freeware. तो इसका इतनी यू कैन से कि इसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि आपके पास नाउ एट द टाइम ऑफ अब्दुल कलाम जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उस समय इसकी एक मीटिंग हुई थी उनके साथ. तो वो मीटिंग शेड्यूल थी फॉर 10 मिनट, बट इट वाज नियर अबाउट 1 आवर और 1.5 आवर.
एंड आफ्टर आफ्टर दैट डिस्कशन अब्दुल कलाम जी ने सारे के सारे अपने जो प्रेसिडेंट हाउस में जितने कंप्यूटर्स है उसमें विंडो को हटा के लिनक्स इंस्टॉल कर दिया. सो दैट्स ही इज द पर्सनालिटी, ही इज द मेन आईटी पर्सनालिटी जो इनिशिएटिव ले रही है ओपन सोर्स के लिए. ठीक है, तो नेक्स्ट इज FSF, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर फाउंडेशन. ये भी रिचर्ड स्टॉलमैन ने स्टार्ट की थी 1985. ओके, तो इट्स हिज पर्पस इज टू प्रमोट द फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स. नेक्स्ट इज OSL, इट इज ए ओपन सोर्स इनिशिएटिव. तो जैसे आपके पास टर्म है FSF, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है टू प्रमोट फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स. इन द सेम वे देयर इज OSI, ओपन सोर्स इनिशिएटिव. इट दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज वन मोटिव टू प्रमोट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स. क्लियर, तो द बिग कंपनीज, ओपन सोर्स कंपनीज आर द मेंबर ऑफ OSI. क्लियर हो गया कंसेप्ट. Freeware, I have already discussed freeware softwares are softwares that we can use without any cost. The different Internet Explorer, Google Chrome, GTalk, Yahoo Messenger, these are freeware, not a open source. But Mozilla Firefox, Tux Paint, then OpenOffice.org, ठीक है, ये सारे के सारे open source. Now, next is W3C. Okay, so it's IT sector is one sector that is not properly organized. Organized means other sectors are properly controlled by government. But this sector is not controlled by a single government. Because it's pura global. Hai. ठीक है, आप एक वेबसाइट यूएसए में सेव है, आप उसको ओपन कर रहे हो. ठीक है, तो देयर इज नो एनी पर्टिकुलर, देयर इज नो एनी गवर्नमेंट हु इज कंट्रोलिंग द नेट. ठीक है, तो उसके लिए क्योंकि इन इंटरनेट देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है W3C. This organization controls all the standards, for example, HTML. तो कौन सा टैग HTML का स्टैंडर्ड टैग है, फॉर एग्जाम्पल H1, क्योंकि अलग अलग ब्राउजर्स ने अलग अलग टैग्स को सपोर्ट करते हैं, तो उसको स्टैंडर्डाइज करना. ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो भी HTML5 आ रही है उसमें तो कई चीजें नहीं हैं. ठीक है, तो उन्होंने इलिमिनेट कर दिया एक्स्ट्रा चीजों को. तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेट. Different organizations, different companies that are linked with the internet are the member. Okay, clear? Any doubt from your side? Java, beta. चलो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ. HTML. Beta, look at here. Not okay. HTML. This is a scripting language. And this is only used for presenting the data. Presenting the data means how data will look when displayed in a browser. Bold ho gaya, italic ho gaya, like this. Now, if you we know that if I am using Python, this is a programming language. I can take decision. For example, yahan pe main likh sakta hu marks equal to 34. ठीक है, इफ मार्क्स लेस देन 33 प्रिंट पास. यस, एल्स प्रिंट फेल. अब ये देखो बेटा, यहां पे देयर इज अ डिसीजन मेकिंग एंड पाइथन programming language will do. यहाँ पे सीधे ही आंसर आएगा पास, क्योंकि मार्क्स कितने हैं 35.
दिस इज ए योर स्क्रिप्ट, दिस इज अ डिसीजन मेकिंग, ठीक है. इन HTML इट इज अ प्लेन, इट इज यू कैन से प्रेजेंट ओनली फॉर प्रेजेंटेशन. दिस इज नॉट, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट वेन एवर वी वॉन्ट टू इंसर्ट प्रोग्रामिंग फीचर इन HTML, वी नीड स्क्रिप्ट. वो हम क्या करते हैं, पूरे पूरे ब्लॉक को स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं. इसके अंदर लिखते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, और उसके बाद क्या करते हैं, इस स्क्रिप्ट को HTML में एम्बेड कर देते हैं, उसमें इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है. हेड टैग में भी है, बॉडी टैग में भी चलता है. नो प्रॉब्लम इज दिस स्क्रिप्ट इज विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक JavaScript, VBScript, ESP, PHP is there. So many languages are there. Now, these two languages are divided into two categories. One is called client side, another is called server side. अब दोनों में difference क्योंकि this is out of your syllabus, but practically this concept must be clear in your mind. ठीक है. अब ये client side में क्या होता है, जब जब आप we know that we are working in client server environment. सारे के सारी website server में पड़ी होती है. जब आप उसको open करते हो, पूरी website आपके computer में आ रही होती है. देखो आप suppose मैं यहाँ पे ये web page खोला हुआ है, ठीक है. आप यहाँ पे पेज सोर्स कोड देखते हो, यहाँ पे सोर्सिंग आ रही है उसकी, ठीक है. ये सारा कोडिंग आ रही है इसकी. अब प्रॉब्लम ये देखो, यहाँ पे आपने देखा होगा कोडिंग में स्क्रिप्ट लगी हुई है, देखो इधर, ठीक है. स्क्रिप्ट लगी हुई है जो जब आप किसी वेब पेज में जावा स्क्रिप्ट या वीबी स्क्रिप्ट लगी होती है, दिस इज क्लाइंट साइड, पूरी की पूरी कोडिंग क्लाइंट के पास आती है, यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है. क्लियर. इट मीन्स your code is not safe. If I am IT expert, I can find out. Suppose ये किसी bank की website है और code मेरे सामने है, मुझे सब पता लग रहा है कि code ने कौन सा logic लगाया. If I change the logic, transaction reverse होनी शुरू हो जाएगी, हो सकता है मैं इसका benefit ले लूँ. But in the case of client, in the case of server scripting language, ESP, PHP, JSP, उसमें क्या होता है कि आपके पास सिर्फ रिजल्ट आता है इन HTML की शेप में, पर वो जो कोडिंग होती है वो क्लाइंट सर्वर के पास ही रहती है. सर्वर आपको रिजल्ट देता है, कोडिंग नहीं देता. सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो, एक सुन लो मेरी बात पहले. ये जो कोडिंग है, ये आपके अगर मैं JavaScript यूज कर रहा हूँ तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी यहाँ पे, पर अगर मैं ESP यूज करता हूँ, PHP यूज करता हूँ, तो ये कोडिंग सर्वर के पास देगी रहेगी, वो सिर्फ आपको रिजल्ट देगा पास और फेल, नथिंग एल्स. इट मींस कोडिंग इज हिडन फ्रॉम यूजर. मोर ओवर सर्वर इज प्रोसेसिंग द कोडिंग, क्लाइंट इज नॉट प्रोसेसिंग द कोडिंग. इसका मतलब ये हुआ कि सारा कुछ सर्वर कर रहा है. इट मींस योर डाटा इज सेफ, ठीक है. सो दैट्स व्हाई हियर जावास्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है. प्रॉब्लम है, योर क्वेश्चन इज जावा एंड जावास्क्रिप्ट. बेटा जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें आप वेबसाइट जीएसपी उसका जो जावा जीएसपी है उसका पार्ट है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है. इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे यूज फॉर मेकिंग सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट लॉजिक बनाने के लिए, ठीक है. तो इसका और कोई ये मेन डिफरेंस है, कई हमारे पास कंफ्यूजन ये है, जावास्क्रिप्ट एंड जावा बोथ नेम्स आर सेम. Both are developed by different companies. Clear? So Java is a name of coffee. Africa में coffee होती है, उसकी बहुत strong coffee होती है, उसके name पे Java word बना हुआ है, ठीक है? Yes, बेटा. And sir, ये coding की थी, वो image की थी, तो नहीं बेटा, पूरे web page की थी. कैसे उसने web page को pick किया है, सारा कुछ इसमें. So in real sense, softwares are not a very 2 to 3 lines coding is there. It is a team work. So many groups are there to develop the operating system ko develop karne mein bhi jo Microsoft ki company hai, usme I think more than 1000 honge person jinhone develop kiya hoga. Theek hai, to coding bahut large in front of you, software is there.
But in backend, so many logics are there, so many coding is there. Yes, clear? Now, next is, वर्ल्ड वाइड वेब मैंने कहा फुल फॉर्म, ये देखो इधर, ये देखो, नहीं इसको, इसका मतलब ये है W3, मतलब 3 टाइम W आ रहा है, गलत हो गया, ठीक है, इट्स नेम इज W3C, ओके, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द सॉफ्टवेयर दैट आर पेड सॉफ्टवेयर्स फॉर व्हिच यू विल हैव टू पे द मनी टू यूज दैट. So if you are using without any payment, this is a pirated software. So this is a proprietary software. Next is shareware, a software that is available free of cost for a short period, for a trial period. For example, for 30 days, it is free of cost. After 30 days, the software will be disabled. तो ये भी हो सकता है कि कुछ उसकी फीचर चले, कुछ फीचर्स ना चले, ठीक है, हो सकता है सारे फीचर चले, पर 30 डेज के बाद या 1 मंथ जो भी उसका टाइम पीरियड है, आफ्टर दैट यू कांट यूज दैट सॉफ्टवेयर इफ यू आर नॉट बाइंग दैट. क्लियर? शेयरवेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, फॉर अ ट्रायल पीरियड. नेक्स्ट इज कॉपी लिफ्टेड सॉफ्टवेयर. सो दीज सॉफ्टवेयर्स are freeware whose distribution term ensure that all the copies of all the version carry more or less the same distribution terms. Means जो आपके पास freeware में जो आपके पास soft आप distribution कर सकते हो, तो उसको आपके पास इसके ऊपर कोई भी usage के ऊपर कोई charges नहीं है, ठीक है? Just like a open source freeware softwares, ठीक है? It is a freeware software whose distribution term ensure that all the copies of all the version carry more or less the same distribution terms. Means आप उसको distribute कर सकते हो. Next is open source license. Now we are going to discuss different license are there in the case of open source. ठीक है? It means there is not only single license. There are so many licenses are there. So we will discuss in next week. There are these licenses are there. We will discuss three type of different five types are license are there. We will discuss next period. And after that, there are some terms digital divide and digital unity. This will be the last topic of your term one syllabus. Okay, students, I am going to close the meeting.